पचास पचास कोस दूर तक जब भी कोई बच्चा रोता है ना, तो उसकी माँ उसको चुप करवाने के लिए कहती है, चुप कर जा वरना गब्बर आ जाएगा। लेकिन आजकल बच्चे जवाब दे देते हैं, गब्बर तो पहले ही मर गया, ठाकुर ने खुद अपनी टांगों से मारा था। लेकिन वही पचास पचास कोस दूर तक जब भी बच्चा बहुत ज्यादा डर रहा होता है और डरता डरता हंस भी रहा होता है, तब उसकी माँ समझ जाती है और उससे पूछती है, बब्बन की कहानी तो नहीं सुनी? जवाब हमेशा हाँ में मिलता है। बब्बन तांत्रिक के किस्से दूर दूर तक फैलते जा रहे हैं, चाहे एशिया हो या यूरोप, अमेरिका हो या अफ्रीका, हर कोई बब्बन तांत्रिक के बारे में जानना चाहता है, उसके आगे के हिस्सों के बारे में पता लगाना चाहता है। वो मुझे दूर दूर से चिट्ठियां भेज रहे हैं, लेकिन वहां की भाषाएं मुझे नहीं आती, मैं तो कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन उसके ऊपर बना हुआ वो गंजा खोपड़ा, मैं उससे समझ जाता हूँ, कुछ ना कुछ बब्बन तांत्रिक के बारे में ही है। लेकिन उन्हें क्या जवाब दूं, जब भाषा ही समझ में नहीं आती तो जवाब क्या दूं। लेकिन बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक है, सब उसके बारे में जानना तो चाहेंगे ही, उसके किस्से ही इतने बड़े बड़े थे, लेकिन वो किस्से भी छोटे हैं उसके आगे के किस्सों के सामने। बब्बन तांत्रिक ने सीधा जिन से युद्ध छेड़ दिया था, भले ही दोनों में कोई जीत नहीं पाया, लेकिन एक तरह से जीत बब्बन तांत्रिक की हुई थी, क्योंकि एक जिन्न के घर में घुसकर उसके आईने के अंदर पहुंच जाना अपने गुरु के साथ जिन्नातों की दुनिया में पहुंच जाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ज्यादा भयानक था। बब्बन भी हार मानने वाला नहीं था। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बड़ी ही खौफनाक, डरावनी और थोड़ी सी हर बार की तरह थोड़ी सी अतरंगी होने वाली है, तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक जिन्नातों की दुनिया में पहुंच चुके थे। जिन्होंने वो जो आईना था ना, अपनी तरफ से कपड़ा रख के ढक दिया, जिस कारण जिन्नातों की दुनिया में वो आईना गायब हो गया। दो बार गुरु तांत्रिक वो पेड़ से अपना सर मारकर दूसरी तरफ आना चाहते थे, लेकिन वो पेड़ सख्त था। गुरु तांत्रिक तो दूसरी तरफ नहीं आए, लेकिन गुरु तांत्रिक के सर से खून दूसरी तरफ निकलने लगा था। बब्बन ने गुरु तांत्रिक के सर को सहलाते हुए कहा था, वहां से हम नहीं जा सकते, ये कोशिश करना छोड़ दीजिए, आपका सिर पहले ही बहुत ज्यादा चिकना है और ज्यादा चिकना हो जाएगा, ऊपर खड़बड़े से निशान पड़ जाएंगे। गुरु तांत्रिक ने पत्थर उठाकर बब्बन के मारा था, लेकिन वहां तो पत्थर भी नरम मिट्टी के बने हुए, बब्बन के सर से टकराया, ऐसे बिखर गया, यहां पर ऐसी पोपड़ी सी बन गई, और बब्बन उस पोपड़ी को झाड़ते हुए कहने लगा, ये पत्थर कमजोर है गुरुजी, मैं आपको उस दुनिया में वापस लेकर जाऊंगा। गुरु तांत्रिक के पास कोई तरीका नहीं था। गुरु तांत्रिक कह रहे, मुझे जिन्नातों के बारे में कुछ नहीं पता, तुम तो जिन्नातों की दुनिया में ही ले आए, अब यहां से कैसे निकलेंगे? बब्बन को पता था यहां से निकलना तो होगा, अगर हम हिम्मत करें, इंसान हिम्मत करें, जिन्नातों को हराया जा सकता है। बब्बन ने गुरु तांत्रिक को खड़ा किया और कहने लगा, ढूंढते हैं किसी को, जिन्नातों की दुनिया है ना, कोई एक जिन्न को पकड़ेंगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, अपना आईना देगा ना, कोई जानकारी देगा कि आईना कहां पर मिलेगा, अगर उस जिन्न के पास आईना था तो यहां भी कोई आईना होगा, हमें बस अपनी दुनिया में जाना है। दोनों बढ़ने लगे। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे, कई पत्थरों के बीच से धुआं ऊपर की तरफ उठ रहा, दूर से उन्हें नजर आया जैसे कुछ लोग, ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन बब्बन पत्थर के पीछे छिप गया और गुरु तांत्रिक को कहने लगा, हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो जिन्न था ना, उसके सामने जब हम खड़े हो गए थे, आसानी से हमें पहचान सकता था, ये जिन्नातों की दुनिया है, हमें जिन्न जैसा बनना होगा, उन्हें लगना चाहिए कि ये भी जिन्न है, तो हम पर भरोसा करेंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे तो आसानी होगी। गुरु तांत्रिक कह रहे, बब्बन तुम समझदार हो, चालाकी वाली बातें कर रहे हो, लेकिन मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, जो करना है तुम्हें करना है, मैं बैठता हूं, तुम आईना लेकर आओ, फिर मुझे बुला लेना, मैं उससे पार हो जाऊंगा। बब्बन कहने लगा, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, आपको मैं कोई नुकसान होने नहीं दूंगा। गुरु तांत्रिक ने कहा था, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। बब्बन ने कहा था, भरोसा करके तो देखिए, चलिए मेरे साथ। गुरु तांत्रिक ने कहा, मैं भरोसा नहीं करूंगा, नहीं चलूंगा साथ। बब्बन ने कहा था, धन्यवाद, और ले गए आगे की तरफ,
गुरु तांत्रिक दांतों को भींच रहे थे, रुकने की कोशिश कर रहे। बब्बन खींचता हुआ ले गया। जैसे ही वो अगले पत्थर के पास थे ना, पीछे से आ रही आवाजें। बब्बन ने कहा, अब तांत्रिक हैं हम, हमें जिन्न जैसा लगने के लिए ज्यादा मुश्किल की जरूरत नहीं है। आधे जिन्न तो हम लगते हैं, नीचे से नहीं लगते। अगर हम अपनी टांगों को जोड़ लें, ऐसे जोड़ लें, उसके बाद हमारी एक टांग बन जाएगी। देखने में ऐसा लगेगा जैसे हमारे पूंछ निकली हुई है। हर कोई समझेगा हम जिन्न ही हैं। हम ऐसे छलांग लगाएंगे, कहेंगे चोट लगी हुई है। हम दोनों ऐसे बढ़ते रहेंगे और किसी कमजोर को पकड़कर उससे सवाल करेंगे। ज्यादा मुश्किल होने वाली नहीं है, काम आसान है। फिर उन्होंने क्या किया, धोती को थोड़ा खोला, अपनी टांगों के इर्द गिर्द ऐसे लपेट दिया कि ऐसा लग रहा था कि दो पैर ऐसे जुड़े हुए हैं, टांगें दोनों जुड़ी हुई हैं। ये उनकी पूंछ ही लग रही थी और उस पर जैसे काले काले मिट्टी के निशान बना दिए, बिल्कुल जैसे कोई जलपरी हो। दोनों गंजी जलपरियां बनकर ऐसे छलांगे लगाते लगाते पत्थरों के पार जैसे ही पहुंचे, बब्बन कहने लगा, ध्यान से, हमें जिन्नातों जैसी हरकतें करनी है, बिल्कुल हम वैसे लगने चाहिए। ऐसे करते करते जैसे भीड़ के बीच में थे, तभी गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? बब्बन देखने लगा, अजीब क्या, इनके कपड़े भी वैसे हमारे जैसे ही हैं, अजीब तो नहीं लग रहे। गुरु तांत्रिक ने कहा, इनकी टांगे देखो, इन सब की तो दो टांगे हैं, हमारी पूंछ सी बनी हुई, हम अलग नहीं लग रहे, सब हमारी तरफ घूरे जा रहे हैं, हमारा पीछा भी कर रहे हैं, सब देख रहे हैं कैसे उछल उछल कर मेंढकों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। बब्बन तब कहने लगा, हाँ, ये चारों तरफ से हमें घेर रहे हैं। एक जगह उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद उनमें से एक हट्टा कट्टा हाथ में भाला लिए आगे आया और कहने लगा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, सच सच बताना, वरना बहुत ज्यादा कष्ट होगा। गुरु तांत्रिक आगे हो गए। गुरु तांत्रिक को डर था कि बब्बन कुछ बोलेगा तो नुकसान होगा, इससे पहले मैं कुछ बोलता हूँ। गुरु तांत्रिक आगे होकर कहने लगे, हम जिन्न हैं, पूंछ वाले जिन्न। तुम टांगों वाले जिन्न हो, हम पूंछ वाले जिन्न हैं, हम पर भरोसा करो, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वहां वो जो भाले वाला आदमी था ना, दो चार और भाले वाले निकले, चारों तरफ से घेर लिया। एक और आदमी आया, मोटा सा था, उसने जैसे सर पर काले रंग का मुकुट पहना हुआ, हाथ में दो चिराग पकड़े हुए आगे चलता हुआ आया और गुस्से में कहने लगा, तुम जिन्न हो, पूंछ वाले जिन्न हो ना। गुरु तांत्रिक फिर से बब्बन के मुंह पर हाथ रखकर बोलने लगे, हाँ हाँ हाँ, ये पागल है, इसकी बात मत सुनना, बेवजह बोलता रहता है। बब्बन तुम मत बोलो, मुझे बोलने दो। फिर वो जो जिन्न था ना आगे आया, उसने गुरु तांत्रिक को ऐसे पकड़ा, ऐसे ठा नीचे मारा। गुरु तांत्रिक ऐसे साउथ इंडियन मूवीज की तरह ऐसे टकराए जमीन से, ऐसे टकराकर सीधे खड़े हो गए, सर उनका ऐसे ऐसे घूम रहा। फिर गुरु तांत्रिक कह रहे, बब्बन कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बब्बन ने कहा, अब आप ही बोलिए। फिर वो सामने वाला मोटा जिन्न कहने लगा, तुम पूंछ वाले जिन्न हो ना, तुम्हें पता नहीं है, पूंछ वाले जिन्न ये टांगों वाले जिन्नों के बीच नहीं आते, वो अलग देश वाले पूंछ वाले जिन्न है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, ये हमारा कबीला है और हम तो पूंछ वालों के दुश्मन हैं, अब तो तुम्हें मौत के घाट उतारेंगे। गुरु तांत्रिक कांपने लगे, एक तो जिन्न है, ये खतरनाक तरीके से मारेंगे, हम इंसान हैं, हमें तो वैसे भी बड़ी जल्दी मार देंगे, इतनी भीड़ है वो जिन्नों की, वो तो हाथ में ना ऐसे आग निकाल रहे थे, ऐसे लाल रोशनी हरी रोशनी, सबको गुस्सा था, वो तो ऐसे मारते उसके बाद भस्म कर देते। गुरु तांत्रिक को यही डर। गुरु तांत्रिक कह रहे, हमें नुकसान मत पहुंचाओ, हमें माफ कर दो। तब वो मोटा जिन कहने लगा, शक्तियों का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, शक्तियों का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, तुम भूले भटके आए हो तो थोड़ा रहम आ गया तुम पर, इसीलिए तुम्हें सजा तो देनी होगी, छोटी मोटी सजा तो देनी होगी। अब ऐसी सजा देंगे जिसका कोई नुकसान भी ना हो और तुम्हें पता भी लग जाए कि तुमसे गलती हुई है, फिर किसी कबीले के अंदर नहीं घुसोगे, दूर दूर से निकल जाओगे। गुरु तांत्रिक कहने लगे, ठीक है, ऐसी सजा दो जिसका कोई नुकसान नहीं, ताकि यहां से बिना नुकसान खाए हम निकल जाएं। तब उस जिन ने कहा, तुम पूंछ वाले जिन हो ना, तुम्हारी पूंछ में शक्ति होती है, तो पूंछ काटो, दोनों की पूंछ बिल्कुल धड़ के पास से काट दो, दो दिनों में इनकी पूंछ दोबारा आ जाएगी, लेकिन दो दिनों तक बिना पूंछ के ऐसे अपने हाथों के बल पर चलते फिरेंगे, फिर इन्हें पता लगेगा। अब ये हल्की सी सजा ही दी है,
अब 2 दिन तो तुम्हें थोड़ा सहना होगा, अपने हाथों के बल चलना होगा। बब्बन गुरुतांत्रिक की तरफ देख रहा, गुरुतांत्रिक बब्बन की तरफ देख रहे। गुरुतांत्रिक ने कहा, मैं नहीं बोलूंगा। बब्बन ने कहा, बोलिए। गुरुतांत्रिक कहने लगे, नहीं बब्बन तुम बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। बब्बन कहने लगा, फिर चुप रहिए। फिर बब्बन बोला, देखिए आप ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं जिसका आपको कोई फायदा नहीं, हमें नुकसान भी बहुत हो। कोई ऐसी चीज करते हैं जिसका हमें नुकसान भी ना हो, आपको फायदा भी हो जाए, ये काम सही होगा ना। तब वो मोटा जिन्न इधर उधर देखकर कहने लगा, ठीक है चलो तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारी बात में दम तो है, क्योंकि तुम्हारी पूंछ काटने से हमें क्या फायदा, तुम्हें तो सजा दे दी, लेकिन कुछ ऐसा जिससे हमें फायदा हो जाए और तुम्हें ज्यादा नुकसान भी ना हो, दोस्ती के बल पर ही काम निपटा देंगे। अच्छी सलाह है तुम्हारी। गुरुतांत्रिक खुश होते हुए बब्बन की तरफ देख रहा है कि मेरा चेला है, ऐसे ऐसे गर्व के मारे कर रहे। बब्बन ने कहा, आप कोई ऐसा काम दीजिए जो हम करें, जिसकी आपको जरूरत हो, जिन्नातों की शक्ति का इस्तेमाल ना करना पड़े। सामने से वो बोल पड़ा, वैसे भी हम जिन्नातों की शक्ति का यहाँ इस्तेमाल नहीं करते, जिन्न की दुनिया में भी चुटकी बजाते सब कुछ करना ये नाइंसाफी होगी। हर काम हम खुद अपने बल पर करते हैं, इंसानों की तरह। इंसान छोटे जरूर होते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं, हम उनकी तरह खुद के बल से काम करते हैं। तो तुम्हें सजा भी वैसी ही देंगे, शक्तियों का इस्तेमाल तुम मत करना। अगर तुमने शक्तियों का इस्तेमाल किया, देख लिया किसी ने कि तुमने जिन्नातों की शक्ति का इस्तेमाल किया है, पूंछ नहीं गर्दन काटेंगे। बब्बन बोल पड़ा, बिल्कुल, मान लो कि आज से हम इंसान ही बन गए, जिन्नातों की शक्ति ही हमारे पास नहीं है। गुरुतांत्रिक ऐसे नीचे को करके हंस रहे। अब वो जो मोटे वाला जिन्न था ना, वहां से चला गया। एक जो जिन्न था भाले वाला, उसके कान में कुछ बोलकर, फिर वो भाले वाला जिन्न आया, कहने लगा, चलो चलो आगे चलो, तुम्हारी सजा बताकर गए हैं। बब्बन कह रहा, बता तो दो सजा क्या है, कोई बुरी सजा ना, बात करने का मौका तो दो। अब वो जा चुका था। भाले वाला जिन्न कहने लगा, वो देखो 500 वहाँ चिराग पड़े हुए हैं ना, उन चिरागों को साफ करना है, पास में तालाब है, साफ करना होगा राख से, अच्छे से साफ करना, अगर गलती की ना शायद सजा बदल जाए। दोनों भाग कर गए, ठीक है ये काम किया जा सकता है। अब कितनी मेहनत लगेगी वो उन्हें नहीं पता था। चिरागों के बीच से चिराग निकल रहे, देखने में 500 लग रहे लेकिन थे 3000, साफ करने में लग गए। ऐसे ऐसे दोनों ने 1500-1500 बांट लिए। गुरुतांत्रिक ने कहा, बब्बन तुम अपने करो, मैं अपने करूंगा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। बब्बन ने कहा, मुझ पर भरोसा कीजिए। गुरुतांत्रिक ने कहा, नहीं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। बब्बन ने कहा, धन्यवाद। बब्बन लग गया सफाई में, गुरुतांत्रिक अपनी सफाई कर रहे। गुरुतांत्रिक बड़ी तेजी से नीचे से राख लेते, ऐसे चिराग को घिसते, पानी डालते, एक तरफ रखते चमकाकर। जो बब्बन था ना, ऐसे थोड़ा सा साफ करता, ऐसे से करता, बीच में हाथ फंसा लेता, फिर कहता, ओ मेरा हाथ फंस गया, ओ हाथ फंस गया, ऐसे करके घूमने लगता, हाथ फंस गया। फिर वो भाले वाला ना ऐसे भाला मारने वाला ही होता, खुद को रोकता, कहता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर वो हाथ से उस चिराग को निकालता। बब्बन फिर से सफाई करता, ऐसे ऐसे बीच बीच में कुछ करने के बाद उसका हाथ फिर से फंस जाता, चीखने लगता। एक बार तो वो भाले वाले जिन ने ना बब्बन को ऐसे पकड़ा, ऐसे दो बार ठा ठा मारा, बब्बन खड़ा हो गया। फिर बब्बन कहने लगा, अब हाथ नहीं फंसेगा, अब मेरा हाथ थोड़ा सा नर्म हो गया, उंगली तोड़ डाली थी, इससे उसका जो हाथ था ना फंसता आराम से निकल जाता। बब्बन ऐसे ऐसे करता अब सफाई कर रहा। बब्बन से तेजी से सफाई हो नहीं रही, गुरुतांत्रिक तेजी से सफाई करते जा रहे। अब गुरुतांत्रिक हंस रहे थे, अब इसे पता लगेगा, बड़ा चालाक बनता है ना, मैं पहले काम कर लूंगा, आराम से बैठूंगा, फिर इसे ऑर्डर दूंगा, ये काम ऐसे करने हैं, ये काम वैसे करने हैं, तुम बेवकूफ हो, मानो। गुरुतांत्रिक अंदर ही अंदर खुश हो रहे, क्योंकि 1500 चिराग उनके होने ही वाले थे। जैसे ही 1500 चिराग हो गए, अब जो बब्बन था उसके 1000 चिराग हुए थे, जो उसने साफ किए थे, धोए थे, 500 भी बाकी। गुरुतांत्रिक खड़े हो गए और पीठ को ऐसे करके कहने लगे, हो गया मेरा काम। सामने से चलकर वो वाला जिन आया, भाले वाला, फिर वो कहने लगा, किसका काम हो गया किसका काम नहीं हुआ। गुरुतांत्रिक ने कहा, मेरा काम हो गया, इसका काम नहीं हुआ, ये ढीला है थोड़ा सा। तब वो जिन कहने लगा, वो पीछे 1500 कपड़े पड़े हैं, तालाब में 1500 कपड़े धो, तुम ये काम कर चुके हो ना, चलो वो काम करो। अब गुरुतांत्रिक ऐसे देखते रहे बब्बन की तरफ, फिर ऐसे, चलो काम तो करना होगा, अब
इसके बाद तो छोड़ दोगे ना? उस जिन ने कहा, हाँ इसके बाद छोड़ देंगे, आसानी से ही छोड़ देंगे। फिर जो गुरु तांत्रिक थे पीछे गए, कपड़े साफ करने लगे। जैसे जैसे वो कपड़े साफ करते, वो सोचने लगते, अगर मैंने ये कपड़े जल्दी साफ कर दिए, मैंने कहा कि देखो मैंने साफ कर दिए हैं, वो तो शायद मुझे और कोई काम दे दे, तो ऐसा करूंगा जब तक बब्बन मेरे साथ नहीं आ जाता ना, तब तक मैं कपड़ों को आराम से साफ करता रहूंगा। बब्बन तो और कमाल का, अब वो चिरागों को साफ कर रहा ना, बार बार घिस रहा, इसमें से कोई जिन निकल आए जो मेरी बात मान ले, ऐसे घिसता रहा, ज्यादा समय बर्बाद कर रहा। 100 रह गए थे, कर ही नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से उसके बाद जो गुरु तांत्रिक थे, उन्हें लगा कि पहले मैं ना 1200-1300 कपड़े जल्दी से साफ कर देता, उसके बाद थोड़ा आराम करूंगा, कह दूंगा अभी बाकी हैं कहता रहूंगा जानबूझकर। तो गुरु तांत्रिक ने क्या किया, 1000 कपड़े जल्दी साफ कर दिए। बब्बन ने अपने वो जो 1500 चिराग थे ना, वो साफ कर दिए। जल्दी से देखकर वो जो जिन था एक तरफ भाला लेके खड़ा हुआ ना, वो आया, कहने लगा किसने काम कर दिया और किसका अधूरा है। बब्बन खड़ा हुआ कहने लगा, मेरा काम हो गया, मैंने काम कर दिया। फिर वो जिन कहने लगा, तुमने? गुरु तांत्रिक कहने लगे कि मेरा काम अभी बाकी है, मैं कर रहा हूँ, मेरी पीठ में दर्द है ना, तो थोड़ा धीमा काम हो रहा है, लेकिन मैं कर दूंगा। जिन ने कहा, उठो पास आओ मेरे। जैसे ही गुरु तांत्रिक जिन के पास गए, उसने ऐसे सर पकड़ा, ऐसे किया और पीठ पर मुक्के मारने लगा। 20 मुक्के मारे ऐसे, आई आई, नीचे से आवाजें आ रही, आई आई आई, 20 मुक्के मारे। फिर गुरु तांत्रिक ऐसा सीधे, तब वो कहने लगा, काम धीमा करते हो, काम चोर हो, करो काम, और तुम अच्छे हो, तुमने काम कर दिया है। इसके बाद गुरु तांत्रिक भागे भागे गए। गुरु तांत्रिक कपड़े जल्दी जल्दी धोने लगे, इतनी तेज कि कोई कर ही नहीं सकता था। वो जिन्न कहने लगा, इसकी रफ्तार तो बड़ी तेज हो गई, शायद इससे चार्ज जल्दी हो जाता है, इतने मुक्कों से ये वाला जिन्न चार्ज हो जाता है। बब्बन कहने लगा, जी गुरु जी कमाल के हैं, शक्तिशाली से भी शक्तिशाली हैं। इसके बाद वो जो जिन्न देख रहा गुरु जी की तरफ, फिर कह रहा, तुम बैठो, तुम्हें करने की जरूरत नहीं, तुम धीमा करोगे, तुमने चिराग धीमे धीमे साफ किए हैं, तुम करो। अब गुरुजी ने सारे कपड़े खुद किए, फिर हिम्मत नहीं पड़ रही। उसके बाद गुरुजी बब्बन के पीछे कह रहे, तुम बात करो, काम हमने पूरा कर दिया है, मैंने 1500 कपड़े कर दिए, तुम्हें तो दिए ही नहीं, तुम्हें बस चिराग दिए, मुझे पीट भी डाला। फिर बब्बन आगे आगे, गुरु तांत्रिक पीछे पीछे, वो भाले वाले उस जिन्न के पास गए और कहने लगे। बब्बन ने कहा कि देखो हमने काम कर दिया, हमें जो सज़ा मिली थी हमने वो सज़ा पूरी की, अब जैसे कि उन्होंने कहा था कि वो छोड़ देंगे तो हमें छोड़ दीजिए। अब जो वो जिन्न था ना भाले वाला, कहने लगा ठीक है, आगे से वो रास्ता है, चले जाओ। बब्बन आगे बढ़ने लगा, गुरुजी पीछे पीछे, गुरु तांत्रिक बिल्कुल पीछे पीछे। उस जिन्न ने पीछे से पकड़ा, ऐसे सर मारा नीचे, मिट्टी लग गई, और कहने लगे, तेरी जबान को जंग लगा है, तू पूछ कर नहीं जाएगा। गुरु तांत्रिक कहने लगे, मैं जाऊं? उसने कहा, जाओ, अब जा सकते हो। गुरु तांत्रिक आगे आने लगे, बब्बन ने पीछे मुड़कर देखा, कहाँ रह गए थे, और ये क्या चेहरे पर ये क्या लगाया है, उसने कुछ कहा तो नहीं? गुरु तांत्रिक कहने लगे, नहीं, वो तो बड़ा खुश था, कह रहा तुमने अच्छा काम किया है, अब इस मिट्टी में नतमस्तक होकर जाने की आज्ञा लो। फिर मैं मिट्टी में मुंह लगा कर आ गए। गुरु तांत्रिक ने यह जवाब दिया। बब्बन कह रहा, आप सच तो बोल रहे हैं ना? गुरु तांत्रिक कहने लगे, भरोसा नहीं है मुझ पर। बब्बन ने कहा, भरोसा गुरु तांत्रिक ने कहा, भरोसा नहीं है? बब्बन ने कहा, हाँ हाँ है, भरोसा है, इतने समय से आपके साथ हूँ, आप तो सच ही बोलते हैं ना। गुरु तांत्रिक घूर कर देख रहे थे, बब्बन भी बार बार ऐसे कर रहा है, हंस भी रहा कि चेहरे पर मिट्टी लगी है। गुरु तांत्रिक ने झाड़ी नहीं ताकि शक ना हो जाए। दोनों आगे बढ़ने लगे। इसके बाद आगे एक और कबीले तक गए, पत्थरों के बीच में, देखा नहीं उन्होंने, पत्थर के पीछे छिप गए, ऐसा ना हो वो कुछ समझते उससे पहले ही वो जिन्न पकड़ लें। तो अब जो गुरु तांत्रिक थे, बब्बन तांत्रिक, दोनों बातें कर रहे हैं, टांगों को खोलो, धोती लगाओ। अब वहाँ जो जिन्न थे ना, कई हमारे जैसे हमें दिखे, जैसे जिन्न भी, कोई सूट वाले, कोई सफ़ेद कपड़ों वाले, कोई ऐसे थे जो बिल्कुल तांत्रिकों जैसे लग रहे, अब कुछ गंजे थे ऐसे, तो वहाँ मिश्रण सा था, उनमें हम घुल मिल जाते, पता नहीं लगता, वो तो हमने पूंछे बना ली तो पकड़ लिए गए, वरना पता ही नहीं लगता, तो यहाँ पूंछे बनाकर नहीं जाएंगे। वो दूर वाले जिन्ने पूंछों वाले, यहाँ तो टांगों वाले हैं, बताया ना,
टांगों से जाएंगे। धोती खोली, बांधी, मिट्टी साफ की और गुरुतांत्रिक ने कहा, कॉन्फिडेंस से जाना है, ऐसे जाना कि जिन नहीं हो और उनके बीच वाले ही हो, दूर से नहीं आए हो तो वो प्यार से अपनाएंगे, उनमें से कमज़ोर को ढूंढना है। मब्बन कहने लगा, ठीक है आप आगे आगे बढ़िए, मैं आपके पीछे पीछे। गुरुतांत्रिक कहने लगे, अब पीछे रहना और चुप रहना, बात मैं करूँगा। बब्बन ने कहा, मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, बीच में थोड़ा सा बोल दूंगा। गुरुतांत्रिक ने कहा, अगर तुमने बोला मैं जबान काट दूंगा तुम्हारी। बब्बन ने ऐसे हंसते हंसते कहा था, जी मैं बोलूंगा नहीं। गुरुतांत्रिक ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। बब्बन ने कहा था, धन्यवाद। फिर वह आगे बढ़ने लगे, धोती वोती खोल दी थी, सीधा उस कबीले, उस गांव के अंदर कई घर बने हुए, उनका ध्यान तो घरों की तरफ, चमकदार घर, अच्छे घर, ऐसे घर, वैसे घर। वहां उन्होंने देखा, जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गए ना, सब उनकी तरफ देखकर घूरने लगे। तब बब्बन कहने लगा, ये क्या, ये घूर क्यों रहे हैं, ये घूर क्यों रहे हैं। गुरुतांत्रिक कहने लगे, हो गई गड़बड़, फिर से गड़बड़ हो गई। अब बब्बन पहले समझ नहीं पाया, गड़बड़ क्या हुई, हमारे जैसे लग तो रहे, धोतियां पहनी हैं, कई तांत्रिक जैसे लग रहे हैं। गुरुतांत्रिक ने कहा, इनमें से कोई गंजा नजर आ रहा है। बब्बन ने कहा, नहीं। गुरुतांत्रिक ने कहा, सबके बाल अजीब लंबे लंबे हैं, घुटनों से नीचे, लड़के भी लड़कियां भी। बब्बन तब देखने लगा, ये बात तो बिल्कुल सही है, यहाँ तो सिर्फ हम ही गंजे हैं। तब वो घबरा गए। इसके बाद सबने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही उन्हें पकड़ा, उन्हें बांध दिया एक बड़े से डंडे के ऊपर, ऐसे लटका दिया। बब्बन भी चीखे मार रहा, गुरुतांत्रिक भी चीखे मार रहे। अब उनके मुखिया को वहां पर बुलाया गया। जैसे ही वो मुखिया वहां पर पहुंचा, वो देखकर कहने लगा, ये बाहर से आए लगते हैं, यहाँ के नहीं है, इनके सर पर तो बाल ही नहीं है, गंजा यहाँ कोई नहीं होता, भले ही हम शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते, साधारण तौर पर रहते हैं, लेकिन फिर भी गंजा कौन है, ये गंजे हैं, बाहर से आए हैं, गंजे कबीले से आए होंगे, गंजे कबीले से, जला दो इन्हें, जला दो इन्हें। बब्बन बोल पड़ा, देखिए हमें माफ कर दीजिए, हम गंजे कबीले से नहीं है। उसने कहा, कौन हो तुम जो मुझसे जबान लड़ा रहे हो। बब्बन एक बार ऐसे नीचे देखकर, फिर गुरुजी की तरफ देखकर बोलने लगा, जबान पूछो इससे। गुरुतांत्रिक गुस्से में, चुप कर जा, जो पूछना है वो पूछ, जबान की बात मत करना। बब्बन पूछा करता था, जबान लड़ाते कैसे हैं, यहां बोलता ना वो जबान लड़ाते नहीं, काट देते। इसीलिए बब्बन ने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया, मैं हूं बब्बन तांत्री। उसने तांत्री कहा था, तांत्रिक पूरा नहीं कहा, बीच में गुरुतांत्रिक टोकने लगे, या बब्बन तांत्री, तांत्री कबीले से हैं हम, तांत्री कबीले से, वहां पर गंजे होते हैं, अपने बालों का हम त्याग कर देते हैं, इसके बाद साधारण जिंदगी जीते हैं, ना किसी को कष्ट देते हैं, अहिंसा के साथ रहते हैं, अहिंसा के साथ। तब बहुत ज्यादा खुश हो गया वो वाला जिन्न, कहने लगा, तुम तो बड़े अच्छे लगते हो, अहिंसा के साथ रहते हो, हिंसा का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा, नहीं। उसने कहा, उतारो इन्हें, उतारो, ये तो बड़े अच्छे हैं, अब इनके साथ हम जो करेंगे ना वो अहिंसा के साथ करेंगे। नीचे उतार दिया गया, दो मोटे मोटे जिन आए। फिर उसने कहा, ऐसा करो, इनके शरीर को चार टुकड़ों में काटो, ऐसे पहले लंबे वाला काटना, फिर ऐसे वाला काटना, चार हिस्से हो जाएंगे ना, इन्हें भी खुशी मिलेगी। गुरुतांत्रिक कांप रहे, ये काटने वाली बात। गुरुतांत्रिक बोल पड़े, ये क्या, आप तो हिंसा की बात कर रहे थे, ये हिंसा कैसे। उसने कहा, तुम जिन ही हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे। गुरुजी ने कहा, नहीं 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 नहीं, ये जिन ही है, जिन ही है, क्या हुआ। उसने कहा, तुम्हें पता है ना, जिन अहिंसा का मतलब होता है काटना, तलवारों से काटना, मारना, और हिंसा का मतलब होता है बख्श देना, दया, इसे हिंसा कहते हैं। तो तुमने अहिंसा मांगी है, हम तुम्हें अहिंसा देंगे। तब बब्बन गुरुजी की तरफ देख रहा, गुरुजी कांपते कांपते बब्बन की तरफ देख रहे। बब्बन ऐसे मुंह बंद करके कहने लगा, गुरुजी। तब बब्बन को कहने लगे, बब्बन कुछ बोल क्यों नहीं रहे, बब्बन बोलो। तब बब्बन तांत्रिक कहने लगा, मेरा मन नहीं कर रहा, आप गुरु तांत्रिक हैं, आप बोलिए, आपने कहा था मैं ना बोलूं। गुरु तांत्रिक कह रहे, बब्बन अब नहीं बोला तो दोबारा बोलने लायक नहीं रहेंगे, बब्बन कुछ बोलो, बब्बन बचाओ हमें। फिर बब्बन ने वो जो गांव का जिन मुखिया था ना, उसके सामने अपनी शर्त रखी, देखिए हिंसा अहिंसा से हम दूर हो जाते हैं, हम आपको कुछ ऐसा करके दिखाएंगे ना जो आपके लिए अच्छा होगा, इस तरह काट कर हमें देखना आपको अच्छा लगेगा,
हिंसा हो या हिंसा, मतलब जो भी हो, हम उससे थोड़ा अलग करते हैं। ऐसी चीज जिससे आपको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो। ये बात सुनकर अब सामने वो जो जिन्न था ना, वो कहने लगा, हाँ ये बात सही लगती है। साथ में गुरु तांत्रिक कहने लगे, नहीं मैं काम नहीं करूँगा बब्बन, मैं काम नहीं करूँगा, मेरे दोनों हाथ दुख रहे हैं, मेरी पीठ दर्द कर रही है, मैं काम नहीं करने वाला, इनके चिराग नहीं धोऊंगा मैं कपड़े नहीं धोने वाला। फटे कपड़े, जिन्नों के कपड़े भी कैसे होते हैं, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं रबर की तरह, बड़ी मुश्किल से धोकर आया हूँ, तुम्हें पता है ना 5 घंटे लग गए। बब्बन कह रहा, गुरु जी काम तो करना होगा। फिर बब्बन को लगा, चलो वो नहीं तो कुछ और करते हैं। बब्बन ने कहा, देखिए काम तो होते रहेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो भी काम होंगे, अहिंसा हिंसा से दूर होंगे, हम मनोरंजन करते हैं ना, आपको बताना चाहेंगे, हम इंसानों की दुनिया में घूम चुके हैं, बहुत कुछ देखा है, तो आपका मनोरंजन करते हैं, ऐसी चीज जो अच्छी होगी, इसमें हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वो कहने लगा, ठीक है, यहाँ पर मनोरंजन की वैसे भी कमी है, तो बताओ तुम क्या कर सकते हो। बब्बन कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से आवाजें आने लगी, हमें गानों पर नाच के दिखाओ, गानों पर नाच के दिखाओ। बब्बन कुछ बोलता सब लोग कहने लगे, ठीक है ये अच्छे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हमें इनसे प्यार है। तो वो जो जिन था कहने लगा, ये तो हमारे अच्छे दोस्त हो गए, फिर हमारा मनोरंजन करेंगे, नाच कर दिखाएंगे, मुझे बहुत खुशी है, तुम हमारे दोस्त, तुम बहुत अच्छे दोस्त, जब भी यहाँ आना चाहो आ सकते हो, चलो नाच के दिखाओ। फिर बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक, वहाँ एक स्टेज लगी हुई थी, सब नीचे बैठ गए, तालियां मार रहे वो जिन, वो शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते थे, अब कोई जिन बनकर नाच कर दिखाएगा, उन्हें क्या पता था। सामने से आवाज़ आई, कोई कवाली पर नाच कर दिखाओ, हम कवाली पर नाचते हुए किसी को देखना चाहते हैं। जो गुरु तांत्रिक थे बब्बन की तरफ देखकर, बब्बन कवाली पर कैसे नाचते हैं। बब्बन ने कहा, देखिए ज़रा मैं कवाली पर नाच चुका हूँ। बब्बन ने खुद ही गाना शुरू किया, बब्बन खुद ही नाचने लगा, गुरु तांत्रिक को साथ में नाचना पड़ा। अब बब्बन गाना गा रहा था, ब्लू है पानी 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 पानी, अब बब्बन पानी 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 करता, और जो गुरु तांत्रिक थे ना वो तो नीचे लेट कर ना ऐसे लहरें बनते, क्योंकि सामने से गालियाँ आ रही थी, नाचो नाचो ये बूढ़ा नाच क्यों नहीं रहा। तो गुरु तांत्रिक को पता नहीं था ब्लू है पानी पानी इस कवाली पर नाचा कैसे जाए, तो गुरु तांत्रिक पानी 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 पानी, सब खुश, अलग अलग तरह के गाने। उन्होंने कहा था हमें कोई तड़कता फड़कता गाना चाहिए। तो बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक को कहने लगा, स्टेप सोच लीजिए, मैं पॉप गाना गाने वाला हूँ। गुरु तांत्रिक कहने लगे, ठीक है, उस पर नाचते हुए मैंने कई देखे हैं लोग, मैं कई जगह गया हूँ, फिल्मों में भी देखे हैं। बब्बन ने पॉप गाना गाया था जगजीत का, अब जगजीत की वो गजलें गा रहा, उसे लग रहा ये पॉप गाना है। एक तरफ गुरु तांत्रिक, इस पर कैसे नाचूं, इस पर कैसे नाचूं, सामने से गालियां। बब्बन तांत्रिक कह रहा, करिए कुछ, नाचिए, अब पॉप गाने पर भी नाचना नहीं आता। गुरु तांत्रिक कह रहे, जगजीत की गजलों पर नाचते हुए कभी किसी को नहीं देखा। गुरु तांत्रिक क्या करते, ऐसे ऐसे सैड होकर नाच रहे। इसके बाद सामने से फरमाइश आई, वो जो मुखिया था ना, एक मेरे वाला, बस एक मेरे वाला, एक मेरे वाला गा दो, उसके बाद जा सकते हो। बहुत खुश हुए, आज तो मज़ा ही आ गया, ये जो तुम्हारे गुरु हैं ना, क्या नाचते हैं, दिल ही आ गया इन पर। बब्बर ने अब अपना सबसे पसंदीदा गाना गाया, वो कहने लगा, गुरु जी अब मैं सबसे पसंदीदा आखिरी वाला गाना गाने वाला हूँ, बड़ा तड़कता फड़कता। गुरु तांत्रिक ऐसे, बब्बन ध्यान से, बब्बन बब्बन नाच में रहा हूँ, गा तू रहा है, ध्यान से बब्बन, मुझसे ना हो पाएगा। बब्बन ने कहा, आप कर लेंगे, भरोसा कीजिए। गुरु तांत्रिक ने कहा, तुझ पर भरोसा नहीं करूँगा। बब्बन ने कहा था, धन्यवाद, मैं शुरू करता हूँ। फिर बब्बन ने शुरू किया, ओ केंदी पौ पौ पौ। अब बब्बन ये गाना गा रहा था, साथ में गुरु तांत्रिक। गुरु तांत्रिक सोच रहे, मैं क्या करूं, बब्बन ने इशारा कर दिया था, कहंदी पाँ पाँ पाँ। गुरु तांत्रिक ऐसे, गुरु तांत्रिक के स्टेप कोई समझ नहीं पा रहा, लेकिन सबको पसंद आ रहे, नाच नाच कर थक गए गुरु तांत्रिक। बब्बन ने गानों के पीछे गाने चलाते चलाते गुरु तांत्रिक को थका दिया, और वो कहने लगे, वाह मज़ा आ गया, आप जा सकते हैं, जब मन हो आने का यहाँ आइए, हमें आपके सामने
कुछ करने का मौका दीजिए, हमें तो आपने खुश कर दिया। गुरु तांत्रिक कह रहे निकलो, जाने का मौका है, निकलो इससे पहले कोई हार न चनिया मना करना चाहे। जैसे ही बाहर की तरफ निकल रहे, एक तरफ ना एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, काफ़ी बूढ़ा। वो बूढ़ा जिन्न था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ। जैसे ही उसके करीब से निकल रहे, दोनों जल्दी जल्दी निकलना चाहते थे। वो बाहर वाला इलाका था, उस गांव से बाहर। एक तरफ से वो बोला, इंसान हो, यहाँ जिन्नातों की दुनिया में क्या कर रहे हो? एकदम से घबरा कर बब्बन कहने लगा, अरे हम जिन्न हैं, जिन्न हैं। वो कहने लगा, जिन्नों का मुझे भी पता है, मैं सूंघकर बता सकता हूँ इंसानों के शरीर से कैसी बदबू आती है और जिन्नों के शरीर से कैसी बदबू। मैं 70 साल इंसानों के बीच रह चुका हूँ, पहचान है मुझे। दोनों थर थर कांपने लगे। फिर वो कहने लगा, डरो मत, बताना होता तो पहले बता देता, नहीं बताने वाला। जानता हूँ किसी न किसी तरीके से यहाँ आ गए हो, जैसे हम आ जाते हैं वैसे तुम आ गए हो। अब तुम जल्दी से जल्दी चले जाओ, यहाँ बहुत खतरनाक जिन रहते हैं। कुछ सभ्य तरीके से रहते हैं, लेकिन तुम्हारे इंसानों में भी क्रिमिनल होते हैं ना, वैसे क्रिमिनल यहाँ भी होते हैं। कानून नहीं मानते, वो काट वाट डालेंगे, बहुत नुकसान करेंगे, इंसानों का पता लगा नोच नोच कर खा डालेंगे। दोनों पांव पड़े, कहने लगे, हाँ भी कुछ कीजिए। हाँ आप, हाँ तो काफ़ी ज्ञानी लगते हैं। उसने कहा, हाँ ज्ञानी तो काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन गांव से बाहर। बब्बा ने पूछा, क्या हुआ, आप गांव से बाहर कैसे आ गए? उसने कहा, अब घटना ही ऐसी हुई, गांव वालों ने पीट पीट के बाहर निकाल दिया, पीट पीट के बाहर निकाल दिया। बब्बा ने पूछा, क्या हुआ, हुआ क्या था? उसने कहा, प्यार, प्यार हुआ था। एक सिलाजिन, सिलाजिन महिलाओं को कहा जाता है, महिला जिन, वो बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत खूबसूरत। ऐसी एक महिला जिन पर मेरा दिल आ गया, इन्होंने पीट पीट कर बाहर निकाल दिया। बब्बा ने कहा, ऐसा क्या हुआ, प्यार को यहाँ ऐसे करते हैं? अगर किसी से प्यार हो जाए, कोई सिला जिन जो बहुत खूबसूरत होती है, तो दिल आ ही जाता है ना। उसने कहा, हाँ मेरा उस पर दिल आ गया था। मैंने उसके पास जाकर कह दिया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद कर रहा हूँ, इतना पसंद कि तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जाता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बब्बा ने कहा, फिर? उसने कहा, फिर क्या? फिर उसने कहा कि तुम भी बड़े अच्छे लग रहे हो, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया, जैसे ही तुम्हारी जबान चली मुझे तुमसे प्यार हो गया। अब्बा ने कहा, फिर तो दोनों तरफ प्यार था, फिर गांव वालों ने क्यों पीटा? प्यार को यहाँ गलत माना जाता है। उसने कहा, नहीं, फिर उसके बाद उसका पति आ गया, हम दोनों की बात उसके पति ने सुन ली, फिर उसके पति ने बहुत ज़्यादा पीटा, पीट पीट कर मुझे गली में फेंक दिया, गांव से बाहर उसने नहीं फेंका। बब्बा ने कहा, फिर आगे क्या हुआ? उसने कहा, बाद में एक और लड़की सिला जिन से मुझे प्यार हो गया। बब्बा ने कहा, वो विवाहित होगी ना, उसके पति ने पीटा। उस जिन ने कहा, नहीं, उसका कोई पति नहीं था। बब्बा ने कहा, फिर उससे आपको प्यार हुआ, फिर क्या हुआ? उसने कहा, मैंने उसको जाकर सीधा कह दिया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार ही हो गया। सामने से वो भी हंसी, खुश होकर कहने लगी, अरे तुम तो काफ़ी अच्छे लगते हो, हमारी जोड़ी बन सकती है, तुम बहुत अच्छे हो, ले जाओ मुझे, ले जाओ। बब्बा ने कहा, फिर आप उसे ले जाते बिना किसी को बताए? उसे जिनने कहा, हाँ ले जाने वाला था, लेकिन फिर उसकी पत्नी आ गई, मुझे तब पता लगा वो लेस्बियन थी, यानी जो लड़कियाँ लड़कियों से प्यार करती हैं ना, उसकी पत्नी आ गई, फिर उसकी पत्नी ने बहुत ज़्यादा पीटा मुझे, पीट पीट कर गली में फेंक दिया, गांव से बाहर उसने नहीं फेंका था। बब्बा ने कहा, फिर आगे क्या हुआ? उसने कहा, फिर मुझे एक और लड़की से प्यार हो गया, फिर मैं उसके पास गया, उसे प्यार का इजहार देकर कहने लगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया, क्या खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम शादीशुदा तो नहीं हो? उसने कहा, नहीं। फिर उस जिन ने पूछा, तुम्हारी कोई पत्नी तो नहीं है, तुम लेस्बियन तो नहीं हो? उसने कहा, नहीं। फिर वो जिन ने कहने लगा, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे अपना लो। वो कहने लगी, अपना लेती, आ जाओ मुझसे शादी करो, मेरे हो जाओ, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। उसके बाद बब्बन कहने लगा, फिर गांव वालों ने आपको क्यों पीटा? उसने कहा, फिर गांव वालों ने तो पीटना ही था, क्योंकि उसने मुझे किस किया और किस करने के बाद वो कहती है कि मैं पैदा मर्द हुई थी, उसके बाद अंदर से मैं औरत थी, इसीलिए औरतों जैसे कपड़े पहनती हूँ, वो सिला जिन नहीं थी, वो मर्द जिन्न थी, फिर मैं उससे दूर भागने लगा। उसने कहा, धोखा दिया, धोखा दिया, गांव वालों ने बहुत पीटा, मिलकर पीटा, लेकिन फिर भी गांव वालों ने मुझे बाहर नहीं फेंका था, एक गली में फेंक दिया। बब्बन तांत्रिक पूछने लगा, फिर आगे क्या हुआ? उस जिन ने कहा, फिर एक सिला जिन्ना मुझे दूर खड़ी दिखी, दूर से ही देखकर, रंग थोड़ा गोरा था, मुझे लगा दूर से बात करता हूँ, पास नहीं जाऊँगा, किसी को शक नहीं होगा, मैंने दूर से ही कहना शुरू कर दिया, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमसे मुझे प्यार हो गया है, अपने बारे में जानकारी दो, अपने बारे में जानकारी दो। बब्बा ने पूछा, फिर क्या हुआ?
उस जिन ने कहा वो एक मूर्ति थी। मुझे पता ही नहीं चला वो सिला जिन नहीं एक मूर्ति थी। गांव वालों ने ये देख लिया। गांव वालों ने तब मुझे पकड़ा और कहा ये तो साला ठरकी है, हर लड़की पर गंदी नजर रखता है, ये तो मूर्तियों पर पुतलों पर ऐसे गंदी नजर रख रहा है। उन्होंने पीट पीट कर तब गांव से बाहर फेंका था। बब्बन गुरु तांत्रिक की तरफ देख रहा, गुरु तांत्रिक बब्बन की तरफ देख रहा, दोनों कह रहे निकलो ये खतरनाक लगता है। तब वो जो जिन था ना बैठा हुआ पेड़ के नीचे कह रहा वो देखो चार सिला जिन जा रही हैं, ये आगे नहाने के लिए जाती हैं, इनसे प्यार का इजहार करते हैं, हो सकता है कोई पट जाए। तुम भी कहने की कोशिश करना, शायद कोई पट जाए और कोई तुमसे प्यार करने लगे, फिर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो ये कर देंगी। बब्बन ने कहा अब क्या ये कर सकते हैं, गुरु तांत्रिक को पूछा। गुरु तांत्रिक दोनों हाथों में पत्थर लिए, बब्बन निकल, बब्बन ये मरवाएगा, बब्बन ये मरवाएगा। दोनों तब उससे दूर निकलने वाले थे और पूछ रहे हमें कोई तरीका बता दो, हमें एक आईना चाहिए, एक जिन्न का आईना। उसने कहा अच्छा तो तुम्हें साधारण जिन्न चाहिए होंगे जो ज़्यादा तगड़े ना हो। तुम ऐसा करो आगे वाले कबीले में जाओ, वहाँ सबसे कमज़ोर जिन्न होते हैं, बड़े कमज़ोर हैं, ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लड़ते वड़ते नहीं वो, लेकिन इकट्ठे हो जाएं फिर नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन कमज़ोर से हैं। वहाँ जाओ उसके मुखिया के पास, बड़ा आईना है, बड़ा आईना, घर तक पहुँच जाओ आईना सामने दिखेगा। अब आईने के पार चले जाना अपनी दुनिया में, तुम्हारे लिए काम आसान है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर कह रहे ये अच्छा हुआ, एक तो काम की बात की। वो कह रहा दूज से ही चलो चलो चलो, उसने सीटी मारनी शुरू कर दी। सिला जिन आगे से गुस्सा होना शुरू हो गई, दोनों भागे, ये सोच रहे हम मरेंगे। जैसे ही उस कबीले वाले पत्थरों के पास पहुंचे, गुरु तांत्रिक ने कहा चुप कर जा बब्बन, अब मेरी बात सुन, यहाँ दिमाग लगाना होगा। सिला जिन पर जिन कैसे मरते हैं, महिलाएं जिन जैसे हमारे इंसानों में भी कोई महिला अच्छी दिखने वाली हो सब मर जाते हैं, उसकी बात मानते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा करना होगा। चलो हमें कपड़े कुछ ऐसे पहनने हैं, हमें महिलाएं बनना है, ऐसे नखरे दिखाते हुए जाएंगे, और बाल यहाँ कई बाल बिखरे हैं ना सर पे लगाओ, लड़की बनो। इसके बाद हम उस जिन्नों वाले गांव में जाएंगे ना, सब मर मिटेंगे, खुद लेकर जाएंगे, बस पार होकर अपनी दुनिया में खिसक जाएंगे। बब्बन ने कहा जैसा आप कह रहे हैं मुझे तो ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। गुरु तांत्रिक ने पत्थर बब्बन के सर पर मारा और कहा चुप कर जा, मैं भी तेरी बातें मानता हूँ। बब्बन चुप कर गया। दोनों ने ऐसे साड़ी वाड़ी बनाई, बाल लगाए, ऐसे नखरे दिखाते दिखाते जैसे ही गांव में पहुंचे, सामने देखा कोई सिला जिन वहां नहीं थी, कोई लड़की वहां पर नहीं थी, सभी मर्द एक दूसरे की बाजुओं में बाजू डाले हुए, मेकअप लगाए, लिपस्टिक लगाए हुए, ऐसे दोनों लड़कियां बने सब घूर रहे। बब्बन गुरु तांत्रिक की तरफ देख रहा, गुरु तांत्रिक बब्बन की तरफ देख रहे, बब्बन ऐसे, गुरु तांत्रिक कह रहे अब क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी है। उसके बाद सब पकड़ने के लिए आ रहे, अचानक बब्बन ने दिमाग लगाया, गुरु तांत्रिक तो ऐसे कह रहे थे बब्बन, बब्बन ने दिमाग लगाया, बब्बन ने ऊंची आवाज में मर्दों वाली आवाज में कहा अरे हमारी तरफ क्यों आ रहे हो, कभी फैशनेबल लड़के नहीं देखे, अब अलग सा फैशन किया हुआ है हमने अलग सा। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, लेकिन तुम तो लड़कियां हो ना, बब्बन ने कहा लड़कियां लगते हो, हम तुम्हें लड़कियां लगते हैं, देखो हमारी आवाज, लेकिन ये फैशन तुम समझ क्यों नहीं पा रहे। सब थोड़ा सा घबरा गए, फिर सब पूछ रहे अच्छा फिर ये लड़कियां से क्यों बने हुए। उन्होंने कहा हमें नए फैशन के बारे में पता है, हम काफी फैशनेबल हैं। तब सब समझ पाए, उन्होंने मुखिया को बुलाया, अब उन्हें पकड़ा नहीं, दोनों को पकड़ा नहीं, मुखिया को बुलाया, और उसके सामने दोनों कह रहे अरे हम तो आपके जैसे ही हैं, वहां जो सबके सब थे ना ऐसे ही थे, मर्दों को पसंद करने वाले, सिला जिन बनकर आए तो पिटते, इसीलिए एक मिनट में जैसे बदल गए, बड़ी तेजी से बदल गए, मर्दों जैसी आवाज निकाली तो बचे, तो उन्हें लगा जो मुखिया होगा वो भी ऐसा ही होगा। मुखिया जैसे ही पास आया, बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक एक तरफ देख रहे, पीछे आया, दोनों के पीठ के पीछे नीचे चमाटे लगाकर कहने लगा ना दिन दिन्ना ना दिन दिन्ना। दोनों ने उनकी तरफ देखा और वो कहने लगा बाहर से कोई आया है, बड़ा समय हो गया नए मर्दों को देखे हुए, चलो हवेली पर, चलो हवेली पर चलो। बब्बन गुरु तांत्रिक की तरफ देखकर कहने लगा चलो गुरुजी। गुरु तांत्रिक कह रहे बब्बन तुझे मार डालूंगा मैं, बब्बन अब क्या करते। अब उसने कंधे पर हाथ रखा और कहा ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना।
ले जाने लगा। बार बार यही कहता रहता, ना दिन दिन ना करता जा रहा। हवेली के पास आए, बब्बन कह रहा मौका तो यही है ना, चुप कर जाइए, कुछ नहीं होता। उसने कहा ना दिन दिन ना। दो सैनिक आए, बाहर खड़े होकर जैसे रोक लिया और वो हवेली की तरफ बढ़ने लगा। बब्बन कहने लगा हमें लेकर नहीं जाओगे? उसने कहा तो है ना दिन दिन ना, जब तक रात नहीं होती तुम्हें वहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा। बब्बन कह रहा रात ये क्या चांद है, यहाँ पूछ भी नहीं सकते वरना पकड़े जाएंगे, अब क्या करें। इसके बाद वो तो चला गया अंदर रात का इंतज़ार करते। और सामने जो सैनिक थे ना, गुरु तांत्रिक ने पूछा वो अंदर क्यों नहीं लेकर गया? उसने कहा रात को ना वो पूरी तैयारी करते हैं, पता नहीं क्या तेल वेल लगाकर डंडे वंडे ऐसे तैयारी करके रखते हैं। तुम खुश नसीब हो। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक की तरफ देख रहा, गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक की तरफ देख रहा। गुरु तांत्रिक ने कहा अब क्या करें बब्बन, अब मरे। बब्बन ने कहा ये सब मर्दों को पसंद करने वाले हैं, ये जो सामने सैनिक है ना, बहलाओ फुसलाओ जैसे लड़कियां बहला फुसला कर अपना काम करवाती हैं ना, इन्हें बहलाओ फुसलाओ, इनके सामने रूप बिखेरो, जैसे जानवर जैसे नर मादाओं को फुसलाते हैं ना, यहाँ तो सब नर ही हैं, तो आप भी ऐसे नर बनिए कि इन नरों को अपनी तरफ आकर्षित करें। गुरु तांत्रिक कहने लगे तो मैं देखता हूँ। अब गुरु तांत्रिक दोनों सैनिकों के सामने गए, ऐसे करके कहने लगे, ऐसे पक चिक पक ऐसे करते जा रहे थे और दोनों सैनिक देख रहे। बब्बन पीछे से देख रहा ये क्या हो रहा है। उन्होंने ना भाला छोड़ के मारा था, सर के पास से गुजरा था। गुरु तांत्रिक भागकर बब्बन के पास आकर कहने लगे ये क्या गुस्सा क्यों करने लगे? बब्बन ने कहा ये क्या था? गुरु तांत्रिक ने कहा मैंने पंछियों को देखा है, मोर को देखा है, ऐसे पंख फैलाते हैं ना, मोरनियां आकर्षित होती हैं। बब्बन ने कहा आपको ये सामने भाला लिए मोर नजर आते हैं, ये जिन्न है, मार डालेंगे। इसके बाद बब्बन आगे गया। अब बब्बन नाचने लगा, बब्बन ऐसे ऐसे, वो जो मिस्र के इजिप्ट वाला डांस है ना, ऐसे 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 करने लगा और सामने से वो जैसे बहकने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे, वो तो जैसे ठरकी थे ऐसे खुश होकर हा हो हा करने लगे। उसके बाद बब्बन ऐसे ऐसे करता गया। गुरु तांत्रिक देख रहे ये बब्बन ऐसा वैसा जो करता है उससे ही काम क्यों बनता है। गुरु तांत्रिक कह रहे जब से ये मेरी कुंडली में आया है मेरी तो कुंडली बदल गई है, किस्मत बदल गई है। वो दोनों ऐसे ऐसे करते बेहोश हो गए, पता नहीं ज्यादा आकर्षण के कारण बेहोश हो गए। हवेली का दरवाजा खुला था, अंदर वो जो जिन्न था ना मुखिया जिन्न, ऊपर जैसे तेल बिछाता जा रहा, पता नहीं क्या करने वाला था। दोनों भागे गए, सामने आईना, छलांग लगाई आईने के पार। जैसे ही आईने के पार पहुंचे एक हवेली में इंसानों की दुनिया, उन्होंने कपड़े से ढक दिया आईने को, फिर भागे वहां से। उस हवेली से बाहर निकलते ही गुरु तांत्रिक ने कहा था बब्बन बच गए, बब्बन बच गए। लेकिन जैसे ही वो उस हवेली जैसी जगह से निकले, वो पूरी खंडहर सी हवेली थी, बाहर निकले, बाहर देखा हड्डियां लटकी हुई इंसानों की, बहुत सारी हड्डियां लटकी हुई। दोनों वहां से जल्दी जल्दी निकले, पता नहीं कौन सी जगह में आ गए हैं हम। उसके बाद आगे उन्हें पेड़ के ऊपर बैठी एक चुड़ैल नजर आई, ऐसे डर कर बैठी, कांप रही। अब दोनों ने उससे सवाल पूछा अपने, ऐसे मंत्र ऐसे बोल बोल कर, खाली तो हाथ थे उनके, ऐसे कह रहे कि हम देख तुझे कुछ ना कुछ कर देंगे, बता ये कौन सी जगह है। उसने कहा तुम्हें नहीं पता यहाँ तक आ गए और जिंदा भी हो और पता भी नहीं कि कौन सी जगह पर आए हो। वो चुड़ैल जिससे थर थर कांप रही थी ना, वो बब्बन या गुरु तांत्रिक नहीं थे, कोई और था। उसने कहा मुंजा मुंजा प्रेत के इलाके में आकर सवाल पूछने की हिम्मत है तुम्हारी? मैं तो बची हुई हूँ, मुर्दा हूँ ना। तुम नहीं बचोगे, किसी पेड़ के ऊपर तुम भी कुछ ही समय में उल्टे लटके हुए मिलोगे। भाग सकते हो तो भागो यहाँ से, वरना मुंजा प्रेत के इलाके से भागने का मौका नहीं मिलेगा। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक थर थर कांप रहे, भाग रहे वहां से, उन्हें जिंदा रहने के लिए यहां से निकलना था, वरना मुंजा प्रेत मौत के घाट उतार देता। गुरु तांत्रिक ने कहा था मुंजा प्रेत से बचा नहीं जा सकता, भागो भागो बब्बन भागो। दोस्तों आगे आने वाला एपिसोड बड़ा ही रोमांचक और खौफनाक होने वाला है, क्या मुंजा प्रेत से बच पाएंगे बब्बन और गुरु तांत्रिक? क्या होता है मुंजाया,
जिसकी जानकारी बब्बन को नहीं थी, गुरुतांत्रिक को थी। उसके इलाके में आ गए या बच पाएंगे, आगे आने वाले एपिसोड में आपको पता लगेगा। दोस्तों वो एपिसोड बड़ा ही डरावना, खौफनाक और बस थोड़ा सा अतरंगी होगा। आपको बड़ा मजा आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।